हरि नाम जब ले रहे हैं
हाँ हर नाम कर रहे मन और कहीं, हमारी मन और कहीं, फिर तो हर नाम फल नहीं देता। इसलिए हर नाम करते समय भगवान का नाम अक्षर को चिंतन करते करते, नाम को चिंतन करते करते कि हर नाम करनी चाहिए। और ताही रुचि नहीं है श्री नाम करवाई, अगर ऐसे हर नाम करेंगे तो बड़े दिनों तक हर नाम करने पर भी भगवान का नाम रुचि नहीं आता, हर नाम में हमारी रुचि नहीं आता। इसलिए स्मृति काले पुनः शीघ्र विराम प्रयास, यही तो से नाम रस नाम है प्रकाश। बोले भगवत नाम में हमें रस क्यों नहीं आता, दूसरे चीज में तो बड़ा रस आता है, टीवी देखो स्मार्टफोन देखो है? इधर इधर उधर की चीज को देखो, देखना उसमें बड़ा रुचि हमारी। लेकिन भगवान के नाम करते समय फिर हमें रुचि क्यों नहीं आती? बोले इसका कारण बताए, स्मृति काले पुनः शीघ्र विराम प्रयास। जब हम हरि नाम करते हैं उसमें आप देखना दूसरे काम पर तो मन लगता है, हरि नाम करते समय ऐसे लगता है ये कब खत्म हो, ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, सब्जी ठंडा हो रहा है, रोटी ठंडा हो रहा है, ठाकुर को भोग लगाया परना ठंडा हो रहा है, अभी माला अभी खत्म नहीं हो रहा है, हमें मन को अंदर बड़ी चंचलता है। इसलिए विराम विराम मतलब है कि माला कब खत्म हो, विराम फिर होता है बार बार माला को निकाल कर देते हैं, एक अभी तक भी माला खत्म नहीं हो, कभी आधा हुई है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे हरिनाम नहीं से करनी चाहिए। पुनः शीघ्र विराम प्रयास, एक ओर से नाम रस ना है प्रकाश, इसलिए भगवान के नाम में रस नहीं आता। जैसे कोई चीज़ बढ़िया चीज बना बनाए तो रस आए ना, और चल के और एक देखो रस आया तो भाई और एक देखो, जो चीज़ में बढ़िया लगता है हम क्या करें, और थोड़ा दो और थोड़ा दो और थोड़ा दो है, मांगते हैं ना जिस चीज़ में रस आता है। प्रश्न है भगवान के नाम पे रस क्यों नहीं आता? इसलिए यहाँ पर बताए हरिनाम करते समय इसको बार बार निकाल कर नहीं देखना चाहिए। हरिनाम करते समय इतने आनंद इतना आनंद आए, जैसे नाम करते जाए नाम करते जाए और नाम करते जाए नाम, इच्छा नहीं हो नाम को समाप्त कर दिए, जब ये इसको करने के जानते हैं फिर ऐसे हरिनाम करेंगे। बोले सारा जीवन ऐसे हरिनाम करो तभी भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं आएगी, नाम में हमारी रस नहीं आएगी। बोले अन्न काय कार्य वृथा काल ना है जापर, साधुगण चिंता तिहा चिंति स्मरे अनुकरण। फिर जो भगवत भजन करने वाले उनकी भावना क्या रहती है? उनकी भावना ये रहती है जिस समय तो भगवत स्मरण भगवत नाम सेवा की स्मरण उतना समय ही हमारी शांति रहता है, और जितना समय दुनिया की बात है संसारी की दुनियादारी की बात है बेकार बैठ करके गुनाह करने की गप्पे मार रहे हैं, समय बीतते जा रहे बीतते जा रहे इधर उधर। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं अव्यर्थ काल सब, मतलब वो कोशिश करते जैसे हमारे समय कभी वृथा नहीं जाए। इसलिए जब अव्यर्थ काल तो धर्म साधु चरित्र, इसलिए अन्य कार्य वृथा काल ना है जाकर, जैसे भगवत कथा सेवा छोड़ करके दूसरे चीज में जैसे हमारे समय वृथा जैसे नहीं जाए। इसलिए साधु गण यहाँ चित स्मरण कर, इसलिए बोले जो सूरज जो पूर्व दिशा में उदय होकर के जब ये सूरज पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं क्या होता है, हम कहते ना एक दिन चला गया, कभी ये सूरज नहीं है काल है, सूरज नहीं है काल, ये हमारे सारे समय को नष्ट कर रहा है। लेकिन तस्वीते जम खड़म नीत उत्तम श्लोक वर्त, जितने समय भगवत कीर्तन भगवत स्मरण भगवत नाम में समय हमारे दिया उतना समय ही हमारी सही समय होता है। इसलिए साधु लोग तद अव्यर्थ काल तो धर्म साधु चरित्र देखिले ताहर ते रुचि है वे निश्चित। इसलिए भक्तों का एक लक्षण है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं
हृदय में केवल भाव नहीं, भाव का जो अंकुर आ जाए उसको अध्यक्ष में नौ लक्षण के रूप में मिलेगा। कितना लक्षण के रूप में क्या क्या है? छाति, अव्यक्त कालचर, विरक्ति, मानशून्यता, आशावत, समुष्टत्व, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तत्व ना जाने प्रीतिता वशिष्ठ। यदि इसके अंदर भी ये नौ लक्षण मिले, हम कहते हैं ना भैया इसको तो भगवान भाव हो गया। बोले भाव भैया, भाव इतनी आसान चीज नहीं, इतना सरल चीज नहीं। जब हमारे हृदय में ये नौ लक्षण दिखाई पड़ेगा तब पता चलेगा हमारे हृदय में भाव। इसको हम शाम को सुनेंगे ये नौ लक्षण क्या है। भाव नहीं केवल भाव की अंकुर जब हृदय में आ जाए तो नौ लक्षण उसके अंदर में दिखाई पड़ेगा। उसमें एक है अव्यर्थता, तब प्लस समय को वृथा कभी के लोग व्यय नहीं करते। देखिए तात रुचि है वो निश्चय। तो अगर ऐसे कोई साधु हो ना जो कि भगवान की भजन में 24 घंटा में 24 घंटा लगा हुआ रहता है, उनको देखते ही हैं, उनको दर्शन मात्र से ही अपने आप उनके प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा अपने आप रुचि हो जाती है। इसलिए कहते हैं संत दर्शन से पवित्र हो जाता है। लगकार पर सहिले पश्चादे पवन दर्शनी पवित्र कर हे तो मधुन। यदि गंगा को स्पर्श करने से पवित्र होते हैं, इन्हें संत दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं। बोले प्रथम ते हरि दिने भोग चिंता त्यजी साधु संगे रात्रि दिन हरि नाम भक्ति। तो साधव को धीरे 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 आगे कैसे बढ़नी चाहिए? बोले प्रथम ते हरि दिन भोग चिंता त्यजी। पहले उसको क्या करनी चाहिए? हर दिन अपना भोग की चिंता को त्याग दे, अपनी भोग की चिंता भी त्याग दे। कैसे करेगी? जो कुछ करेंगे अपना खाएंगे, सोएंगे, सोएंगे, पिएंगे, केवल अपना स्वार्थ 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 नहीं। हर समय स्वार्थ इसकी गुरु वैष्णव भगवान की इनको कैसे प्रसन्न कर सके, ये लोग हमारे ऊपर कैसे खुश हो, ये चिंता करनी चाहिए। हर समय भगवान गुरु वैष्णव की सेवा में हमें डूबे रहनी चाहिए। इसलिए अपना भोग को सुख को त्याग दे करके बोले साधु संगे रात्रि दिन हरि नाम भक्ति। साधु संग में इसलिए बोले साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। संसार जीवित आए कौन बस में, बोले संसार से अगर पर पारा जाना चाहते हैं साधु संग में हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए अपने आप मनमानी हरिनाम करो साधु संग में। इसलिए पांच तरह का प्रभु गोस्वामी ने विशेष करके पांच विशेष भक्ति बताए। क्या क्या है पांच भक्ति? उत्साह। बोलो क्या क्या पांच तरह का भक्ति? बोलो थोड़ी सी अगर श्रद्धा पूर्वक करते बस कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए।
लेकिन ये जितने सारे अंग है, जैसे मथुरा में बांस करें, मथुरा में घूमते बदमाश का नहीं करें, वृंदावन में गए जितने घर के घर गई, जमुना किनारे में घूमते घूमते जाए हैं, इतने उल्टा पुलटा चोर छुट्टे सब मिलेंगे, वो क्या बात नहीं कर रहे हैं, शराब मिलने वाले मिलेंगे, चोरी करने वाले मिलेंगे, वो क्या धाम पास नहीं कर रहे, लेकिन धाम पास अगर साधु संत को साथ में हो तदानुरागी जनानुरागी, इसलिए भगवान के चरण में जो अनुरागी भक्त उनके आनुगत्य में ये धाम पास होनी चाहिए, बोले नाम संकीर्तन, बल्कि भी अपना मन मान नहीं है, अपना मन मान नहीं, ये हरिनाम भी साधु सबको साथ में हरिनाम होनी चाहिए, नहीं तो हरिनाम करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 इधर हरिनाम करेंगे, बोले ठाकुर जी हमारे साधु कैसे चलते चलते हमारी दुकान दुकान ठाकुर जी हमारे ये हो जाए, फिर हरिनाम क्या होगा, चिंता में नहीं हरिनाम, फिर हरिनाम हो ही देते भगवान भक्ति नहीं देते, ये मांग रहे हो यही चीज रहेगी, इसलिए हरिनाम करते समय न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश का धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हरिनाम साधु संशय करनी चाहिए, मतलब विग्रह की सेवा, विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए है, नहीं तो पूजा करते हुए उसमें जो साधारण लोग जो मंदिर में पूजा करते हैं, साधारण लोग जो मंदिर पूजा करते हैं किस भाव से, हाँ यहाँ पैसा मिल रहा है ना इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, मतलब इसीलिए तो पूजा कर चले तो उनको पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला पूजा नहीं करे वो पूजा पूजा कर, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति कैसा होनी चाहिए, पाई तो की अप्रतिहता जय आत्मा सब प्रति, भक्ति कैसे होनी चाहिए जिसमें कोई कामना हो, ठाकुर जी आप हमारे प्रभु हो मैं आपका सेवक हूँ, हमारा कर्तव्य क्या आपकी सेवा, आपका सेवा ही हमारे कर्तव्य, हमारे और कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारी प्रीति विधान के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रीति विधान के लिए तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हारी प्रीति के लिए ही कर रहे हैं, अगर उसमें दूसरा भावना रहेगा है फिर तो पूजा करने पर भी प्रभुपाद वृत्तक पूजा पूजा प्रभुपाद उसका नाम हो तो वृत्तक, वृत्तक मतलब खरीदी किया है पैसे से खरीदी किया हुआ वो चाकर है, वो नौकर नहीं वो भक्ति नहीं, इसलिए मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा श्रवण भागवत श्रवण, भागवत श्रवण हम इसलिए करते हैं जो भक्ति के लिए भजन के लिए है, नहीं तो जो बड़े बड़े जो भक्ता लोग क्या करते हैं हे रुक्मणी विवाह है पिता माता बना देंगे, जैसे पिताजी ने कन्यादान किया था संकल्प कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा है कांत नंद भगवान ने 20 लाख गैया दान दिया था, तो कम से एक तो दे एक तो दे एक गैया का दान 50,000 तो होगा तो दान, इसलिए फिर क्या होगा अगर साधु संत के द्वारा ये सब चीज नहीं होगा ना फिर तो ये चीज तुम्हें फल प्रदान नहीं होगी, तुम्हें फल प्रदान नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो हरिनाम है अकेले नहीं करनी चाहिए, हमें साधु संत के द्वारा ये हरिनाम करनी चाहिए, फिर हरिनाम का जो सही फल है जो कृष्ण प्रेम है फिर ही कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं तो हरिनाम चिंता में बास ज्ञान योग भोग मोक्ष दे करके भुक्ति मुक्ति देने पर भक्ति रखने लिखा है, भुक्ति मुक्ति को दे करके भक्ति को भगवान छुपा करके रखते हैं, भक्ति सहज में भगवान नहीं देते, इसलिए साधु संघ में हरिनाम करनी चाहिए, इसलिए साधु संघ में कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीवित आर कौन वस्तु इसलिए संसार से पार होने के लिए और कोई उपाय नहीं साधु संघ में हरिनाम के सिवाय, तद संकल्पित नाम संख्या कुछ न करिवारे नाम है अजत्र नाम है देखी बारे बारे, इसलिए यहाँ पर बताए संकल्पित नाम संख्या कुछ न करिवारे, ये क्या करता है जैसे हमको सोलमाला करनी किसी तरह से
ये सोलह माला किसी तरह से कोशिश करता है, जैसे सोलह माला किसी तरह से पूर्ण हो जाए है, और कभी बार बार निकाल कर देखते हैं अभी पूरा हुई कि नहीं, अभी कितना काम हो गया, ओ कितना ही हुआ, अभी कितना बाकी है। इसलिए कहते कहते संकल्प का नाम संख्या पूर्ण करवाए, जो संकल्प किया इतना नाम हमें करनी चाहिए उसको पूर्ण करवा, नाम है अजत नाम, नाम है देखी बार बारे, नाम करने के लिए तो जत्न नहीं करता, हरि नाम करने के लिए हृदय से पुकार पुकार करके हैं गुरु वैष्णव का स्मरण करते हुए उसके लिए तो नहीं करता है, जब तक इसमें पूरी कैसे नाम हो जाए, आज पूरी हो गया ना नमस्कार आपको, आज सारा दिन आपको और सुना आज आज के लिए हो गया है। इसलिए बोले संख्या लिखे सुनिया छाड़ी एकाग्र मानसे निरंतर करि नाम तब त्रिमगसे। इसलिए संख्या लिखे नाम जुड़ना करनी चाहिए, संख्या तो करनी चाहिए, लेकिन अगर इतना संख्या पूरी हो गया अच्छी बात है, माला रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन हाथों में जो कुछ पर सेवा करके और मुँह में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय क्या करो, भगवान की नाम करते रहो। इसलिए निरंतर करि नाम तब कृपा बसे एकाग्र मानस निर्जन सब क्षण नाम स्मृति अभ्यास करिवे भक्त जन। इसलिए हर समय हरिनाम करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, कुछ समय एकांत में बैठ लीजिए, कुछ समय एक जगह पर आँख बंद करके मन को लगा कर दिए हरिनाम कुछ समय उसमें क्या होता है, बोले नाम स्मृति अभ्यास करते हुए हरिनाम करते समय हरिनाम को चिंतन करते हुए उनके चरण में प्रार्थना करते हुए हैं ठाकुर जी के चरण में हे हरिनाम प्रभु हमारे प्रति कृपा करो, आपका नाम में जैसे हमारी रुचि हो हैं उस समय में जैसे चेत दर्पण मार्जनम और महादाबाद्य निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावीवनम आनंदावर्धनम प्रतिवदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्त। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए जय जय हरी नाम चिदानंदामृत धाम पर कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसे मरते मरते हरे नाम नहीं करते, मरते हुए जैसे हैं हरे कृष्णा जैसे गोपाल सुंदर बेगर था बिना पैसा का काम कर रहा है, ऐसे में भली आप बदल वो भर करके आनंद पूर्वक भगवान के नाम में ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए एकाग्र मन से निर्जनत स्वरूप नाम स्मृति अभ्यास करेंगे भक्तजन, अतएव स्पष्ट नाम भाव लक्षण स्वतः है प्रार्थना तुम्हारे चरण में। हे प्रभु हरि नाम प्रभु आपका चरण में हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, अतएव स्पष्ट नाम भाव लक्षण जैसे आपका नाम को स्पष्ट रूप में लेना चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, जैसे कोई लोग होता है ना नाम पूरी पूरी करने के लिए हाँ किसी का हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण नाम पूरी करने के लिए कितना नाम प्रतिला करना पड़ता है, जितना करते हो स्पष्ट रूप में नाम उच्चारण करते हुए स्पष्ट रूप में भगवान की नाम को उच्चारण करनी चाहिए और भाव को साथ भाव पूर्ण होकर के हरिनाम करनी चाहिए। एक लाख मतलब एक लक्ष्य होकर के हरिनाम करनी चाहिए। अगर ऐसे कोई करना है ऐसा अगर कोई करे जितने जो 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 जाते हैं जो जड़ता है वो समाप्त होकर क्या होगा, धीरे धीरे भगवान का नाम का प्रति धीरे धीरे रुचि होने लग जाएगी। इसलिए तब कृपा लाभ यदि ना कर जतन तब आमी भाग्य ही सचिन कदा कृपा पाने के लिए अगर हम जतन नहीं करते हैं कद हे सचिदानंद गौरवी हम तो जगत में सबसे बड़े भाग्यहीन हैं, हमसे भाग्यहीन जगत में कोई हो ही नहीं सकता है। बोले श्री सचिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि पंचा गुरु कृपा सिंधु भय वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Rama, Hare Rama, Rama.
जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय परम राधेतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विवेक श्रील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्रील गौर किशोरदास स्वामी बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। रसिक चूड़ामणि श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। विश्वनाथ कृपराज गोस्वामी प्रभु की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ तीर्षण गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर अमन हाँ गौर पार्षद वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अरे राम।